सो हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अश्विनी कुमार फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU एंड यू आर वॉचिंग ASS ट्यूटोरियल्स। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि अगले साल नीट देने जा रहे हो के, और मैं कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आने के बाद ये वीडियो बना रहा ताकि काफ़ी लोग को दिक्कत ना हो ज़्यादा लोगों को, ठीक है, कि एडमिशन लीडर में लें या अचीवर। देखिए, एक वीडियो मैं इस पर पहले ही बना चुका हूँ, एक वीडियो मैंने इस पर पहले भी बना रखा दोस्तों, आप लोग जो पहले से देखते होंगे आपने देखा होगा एक वीडियो, उसके बाद भी काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा ताकि आप गलती ना कर बैठे, ठीक है। आपको लेना चाहिए था लीडर, आपने ले लिया अचीवर, या आपको लेना चाहिए था अचीवर, आपने ले लिया लीडर, क्योंकि काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा देना पड़ता है। अबाउट 1 लाख आपका फीस है, ओके, 1 ईयर का 1 लाख फीस है, अबाउट मोर देन 1 लाख भी हो सकता है शायद, तो गलती अपना करो। इसलिए यह वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं, और वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, उससे भी ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप यदि कोटा जा रहे हो, यदि आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हो कोटा में, तो आप हमेशा हमारे कॉन्टेक्ट में बने रहोगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो है आपका बेसिक्स का। देखिए, नो डाउट अचीवर की बात करोगे आप, नो डाउट अचीवर की बात करोगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपको टीचर्स अच्छे मिलेंगे, नो डाउट। ये डिफरेंस है, टीचर्स अच्छे मिलेंगे इन कंपेयर टू लीडर, ठीक है। इन लीडर के कंपेयर में आपको जो अचीवर्स के टीचर है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, ये विदाउट एनी पॉइंट ऑफ डाउट। लेकिन कुछ और डिफरेंसेस क्या देखिए, लीडर में थोड़ा सा आपको स्लोली स्लोली पढ़ाया जाएगा, ठीक है, स्लोली थोड़ा पढ़ाया जाएगा यदि आप शुरू के बैचेस में लेते हो तो। अचीवर में क्या होता है कि थोड़ा फास्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन देखो एक चीज़ और मैं बोल दूँ, थोड़ा फास्ट का मतलब ये नहीं कि आप फास्ट भी मतलब कुछ भी बता नहीं रहे, चीज़ें उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको पूरा टाइम मिलेगा कि आप अच्छे से समझ सको, पूरा टाइम मिलता है समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि समझने के लिए टाइम भी मिलेगा कि आपको बहुत फास्ट पढ़ा दिया, ऐसा एकदम नहीं है। ये भी पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। देखिए, कुछ लोग गलत बात फैलाते हैं कि इसमें बेसिक्स नहीं पढ़ाया जाता है, इसमें आपको बेसिक्स ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। हाँ, इसमें बेसिक्स थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बेसिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ भी आपको बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। यहाँ भी आपके पास फुल टाइम है दोस्तों कि आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर सको। यहाँ तो बेसिक क्लियर होगा, यहाँ भी बेसिक मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि यहाँ मैं 100 पॉइंट दूँ यदि बेसिक्स को, तो यहाँ 90 पॉइंट दूँगा, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस, उतना बड़ा डिफरेंस नहीं दोस्तों। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि जो अचीवर और लीडर में हम किस में लें। तो देखिए दोस्तों, आपका यदि बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स क्लियर का मतलब कि आपको यदि समझ में आता, आपको समझने में दिक्कत नहीं है, मतलब टीचर एक बार जो समझा रहे हैं वो यदि आपको समझ में आता हो, टीचर समझा रहे हो और आपको समझ में आता हो, देन यू कैन ईजिली गो फॉर अचीवर। लेकिन आप ऐसा हो कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आपको जब तक 4 से 5 बार समझाया ना जाए उस चीज़ को, 4 से 5 बार समझाया ना जाए, तब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, देन यू शुड गो फॉर द लीडर। ऐसा कंडीशन हो तो आप लीडर में जा सकते हो, जबकि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, आपको 4 से 5 बार समझाने पर चीज़ें आपके समझ में आती है, देन यू शुड चूज फॉर द लीडर बेच, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, लीडर अचीवर जो एलेन, जो आपको एलेन से आप पूछेगा कि वहाँ के जो टीचर्स बैठे हैं उनसे पूछेगा कि क्या ले, तो वो एडवाइस क्या देंगे, देखो यदि आपने 11th एंड 12th एलेन से नहीं किया या किसी भी कोचिंग से नहीं किया, यदि मान लो स्कूलिंग किया आपने सिर्फ 11th एंड 12th, तो वो लोग एडवाइस देते हैं कि आप लीडर ले लो, ठीक है। और 11th एंड 12th या तो एलेन से किया हो, नर्चर और इंथ्यूज जिसको बोलते हैं, या दोस्तों आपने अचीवर ही पढ़ा हो वहाँ से, या पिछले साल आप वहाँ के लीडर बैच में हो, देन दे विल से दैट यू शुड टेक अचीवर, ठीक है। देखिए अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, मैंने खुद देखा अपने समय में कि कुछ लोग जैसे अचीवर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अचीवर के स्टूडेंट हैं, अब अचीवर में जो पढ़ाया जा रहा है वो ये लोग खुद तो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, क्लास में पढ़ाया जा रहा है अच्छे से, बेसिक्स पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये खुद पढ़ते नहीं हैं, क्लास गए क्लास किए, वो क्लास भी पूरा नहीं करते हैं, और सिर्फ आकर बाहर ये कहेंगे दूसरे को कि अरे यार बेसिक्स नहीं पढ़ाया जाता, यार सर बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं, और ये ऐसे ऐसे बोलकर पूरे इमेज को ख़राब कर देते हैं और गलत माहौल क्रिएट करते हैं, और गलत आइडिया गलत परसेप्शन आपके पास क्रिएट करते हैं। ऐसा एकदम नहीं, यदि आप अच्छे से पढ़ोगे, और ध्यान शुरू के बैचेज, यदि आप अचीवर में शुरू के बैचेज लोगे ना, शुरू के बैचेज, तो वहाँ पर आपको पूरा अच्छे से बेसिक से पढ़ाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा शुरू के बैचेज लोगे तो। हाँ, आप मान लो आप खुद ही अगस्त में ले रहे हो, सितंबर में ले रहे हो, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फुल डिस्कशन, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फुल डिस्कशन विथ बेसिक्स आपको कराया जाए पूरे साल का, आप जब अगस्त और सितंबर में एडमिशन ले रहे हो। यदि आप लेते हो दोस्तों जस्ट मई के लास्ट में ले लेते हो, जून में ले लेते हो, तो आपको पूरा बेसिक से सब कुछ वेल डिफाइंड डिस्कशन होगा। इन वाले बैचेस का तो सिलेबस भी खत्म होता है लगभग मार्च के अंतिम तक सिलेबस खत्म होता है, इन वाले बैचेस का फरवरी लास्ट जनवरी लास्ट तक सिलेबस भी खत्म हो जाता है। तो आपको अचीवर में कौन सा लेना है वो आप पर डिपेंड करता है ना। देखिए
आपका दोस्तों यदि बेसिक्स अच्छा है ठीक है, और आपके नीट में लगभग मान लो 400 प्लस मार्क्स आएँ और बेसिक्स अच्छा है, देन यू शुड चूज अचीवर। थोड़ा सा लेट वाला बैचेज चूज कीजिएगा ठीक है, थोड़ा लेट बैचेज। यदि आपका बेसिक्स ठीक है क्लियर, और आपके मार्क्स दोस्तों 350 या 300 प्लस के आसपास है, देन यू शुड चूज अचीवर अर्ली बैचेज। शुरू का बैचेज ले लीजिएगा, अचीवर का शुरू वाला बैच ठीक है। आप 200 से नीचे हो, आपको इसका तो कुछ समझ में नहीं आता, देन यू शुड गो फॉर द लीडर। यहाँ भी आप लीडर जाने से पहले एक बार अपना एनालिसिस खुद करोगे ठीक है। ये तो मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, एक मैं परस्पेक्टिव दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ, जिस पर आपको खुद से डिस्कशन करके खुद से आपको समझना पड़ेगा दोस्तों ठीक है। ये आपको क्या लेना है, यू आर द बेस्ट एनालाइजर, आप खुद सबसे अच्छे से एनालाइज करोगे ठीक है। मेरे बोलने या ना बोलने से कुछ नहीं होने वाला, आप खुद अपने आप को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। आर गेटिंग योर पॉइंट? और ये कुछ बेसिक डिफरेंस है अचीवर और लीडर में ठीक है। टेस्ट यदि होंगे दोस्तों, टेस्ट की बात करोगे तो हाँ, अचीवर के जो टेस्ट होते हैं वो थोड़ा सा टफ होंगे। मैं डिफरेंसेस डिस्कस कर ले रहा हूँ अचीवर लीडर का, थोड़ा सा टफ होगा लेकिन यहाँ भी अच्छा ही होगा। टीचरशिप क्वालिटी की बात करोगे तो हाँ, थोड़ा सा अच्छे मिलते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ अच्छे नहीं मिलेंगे, यहाँ भी अच्छे मिलेंगे आप ठीक है। स्पीड की बात करोगे तो नॉर्मल स्पीड यहाँ भी होता है, नॉर्मल स्पीड यहाँ होता है। ये डिपेंड करता है कि स्पीड टोटली विल डिपेंड ऑन विच बैच यू आर ज्वाइनिंग। ये इस पर डिपेंड करता है कौन से बैच में आप ज्वाइन करो, दैट सोनली डिपेंड्स ऑन दैट बैच कि आपका स्पीड क्या होगा क्लास का। और गेटिंग द पॉइंट? ओके। डाउट काउंटर की व्यवस्था आपको दोनों में अच्छा खासा मिलेगा ठीक है, इसलिए घबराए नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, सिलेक्शन ठीक है। एक चीज़ क्लियर है, एक चीज़ मैं बता दूँ, सिलेक्शन की बात जहाँ से करोगे दोस्तों, तो लीडर में और अचीवर की बात करोगे तो एलएन में ऐसा माना जाता है कि जो अचीवर है वो सिलेक्शन सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ठीक है, मैक्सिमम सिलेक्शन देने वाला बैच होता है अचीवर, मिनिमम सिलेक्शन देने वाला बैच होता है लीडर। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं वहाँ ठीक है। रीजन ये है, ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा नहीं रहे, आप देखोगे नोट्स मैच करोगे तो सब कुछ सेम आपको मिलेगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पर पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि 2-3 बार ड्रॉप किए रहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा पढ़ाई पर उनको ध्यान रहता है, इसी दैट इज द मेन रीजन फॉर सिलेक्शन। और थोड़ा सा तो रीजन भाई पढ़ाई रहेगा तो बात काम करेगा ही, वो उससे कोई बड़ा मैटर नहीं होता ठीक है, ये ध्यान रखना आपको क्लियर। इसका यानी कि सिलेक्शन होता है, अच्छे अच्छे रैंक मैंने देखा यहाँ पर ठीक है, गुड रैंक्स अचीवर के बच्चे को भी पिछाड़ते हुए देखा मैंने, लीडर के बच्चे को, लेकिन ये थोड़ा सा हमेशा अपग्रेडेड रहता है ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको हेल्प करेंगे चूज करने में लीडर या अचीवर में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, हम आपके साथ हर पूरे साल बने रहेंगे। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और इस पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के वीडियोज मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ से भी लाभ उठा सकते हो। ओके, सो थैंक यू वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, बाय बाय।